स्वागत है नए ब्लॉग में। आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगी। सबसे पहले ये है राधा, ये जना मैडम, ये देखिए, ये राजा, ये भरत। ये देखिए, ये है राजा भरतरी जी का जन्म। यहाँ पे देखो, ये माता जी सोई हुई है और ये इनका बेबी और ये राजा। बहुत ही प्यारा सुंदर सा बनाया है। देखो माता सौम्यदर्शना की प्रेरणा, मतलब अपने जो पुत्र है भरतरी को राजा प्रांगण स्थित मंदिर लेकर गई थी। इसमें जो है ना माता जी भरतरी जी को शिव मंदिर लेके गई है, उनसे बोल लिखा हुआ आप पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ के। इसके बाद पूरा जंगल का सीन दिखाया है, जिसमें किसी विदेशी आक्रमणकारियों ने मालवा पर आक्रमण किया था ना, उसका है इसमें। ये देखिए, फिर ये राजा भरतरी जी का विद्या अध्ययन, उनकी पूरी शिक्षा का दर्शाया गया इसमें। राजा भरतरी जी का राज्याभिषेक है, ये देखो इनका राज्याभिषेक किया गया है। फिर इनका ये विवाह हुआ है राजा भरतरी जी का। पंडित जी, ये उनकी वाइफ और ये कन्या के माता पिता। ये देखो ऐसे लकड़ी की, रियल लकड़ी की रखी हुई है। गोरखनाथ जी है, उन्होंने हिरण को जीवित कर दिया, मतलब वहाँ पे उन्होंने शिकार किया था और यहाँ पे उन्होंने जीवित किया। देखो वहाँ पे रियल लकड़ी लग रही है, शादी हो गई भरतरी जी की। हाँ वही तो मैं देख रही हूँ। ये स्वप्न में क्या देखा, यहाँ पे राजा भरतरी जी का स्वप्न दिखाया गया, जो कि उन्हें सपना आया है, जिसमें दिखाया गया कि उनकी वाइफ मर चुकी है और वो चिता की राख में उन्हें खोज रहा है। अमरफल भेंट कर रहे हैं, सॉरी अमरफल है। अश्वपाल जी है उनको अपने राज्य में, जो उनके राज्य में कोई अश्वपाल जी है उनको अमरफल भेंट किया है। फिर जो अश्वपाल जी है उन्होंने जो
अमर फल मिला है वो उन्होंने नगर वधु को दे दिया। नगर वधु द्वारा राजा भीष्म को अमर फल भेंट करना। अश्रुपाल जी ने नगर वधु को दिया जो फल, वो फल उन्होंने वापस राजा जी को कर दिया। त्याग करके जा रहे थे तो नगर के लोगों ने उन्हें रोकना चाहा, उनका रास्ता रोक लिया। इसमें से दिखाया ताकि प्रजा ने आपको मना, मतलब जैसे मूवीज वगैरह में देखा है आपने। फिर जो राजा भरतरी जी थे वो अपना राजपाट त्याग करके वो श्री गोरखनाथ जी के पास चले गए। फिर उनके गुरु ने उनकी परीक्षा ली है राजा भरतरी जी की। ये देखिए, फिर वो जब कभी भिक्षा लेने गए ना, उन्होंने अपना वो राजपाट त्याग दिया तो भिक्षा लेने गए थे, उन्होंने अपनी वाइफ से भिक्षा ली है माता कहके। उन्होंने अपनी वाइफ को माता कहा है, जो रानी पिंगला थी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, उनको उन्होंने माता कहकर भिक्षा मांगी। आग्रह किया। गोरखनाथ जी ने भरतरी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुमने मोह माया पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजस्थान के नागौर जिले के राताडूंडा नामक गांव में इनके कर्ण वेद संस्कार का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उनको कानों में कुंडल पहनाकर नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान की। इनके कुंडल आज भी राताडूंडा गांव के मठ में रखे हुए हैं। माना जाता है कि जिस गुफा में भरतरी ने तपस्या की उस गुफा में चार सुरंगें थी। ये जो गुफा है इसमें चार सुरंगें बताई गई है। इंद्र ने इनकी तपस्या से भयभीत होकर गुफा पर ब्रज से प्रहार किया, जिससे उन्होंने गुफा के अंदर चट्टान को हथेली से रोका, जिसके चिन्ह आज भी उज्जैन स्थित भरतरी गुफा में विद्यमान है। अगर कभी आपको कभी उज्जैन जाना हो या फिर आप उज्जैन से हो तो आप इस गुफा को ढूंढने जा सकते हो। बारिश के मौसम में अगर आप कभी अलवर घूमने आए तो यहाँ पे जरूर आना। अलवर को वैसे भी तपोभूमि कहा जाता है। ये लास्ट था
जिसमें उनकी पूरी जीवनी दिखाई गई है इस पनोरमा में, ये देखिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा।